हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्वेश्चन टैग के बारे में। देखिए दोस्तों, सवाल दो तरह के होते हैं, एक होता है येस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, लेकिन एक और होते हैं जिसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में भी हम लोग सवाल करते हैं, जैसे कैसे आपके पास एक कार है ना, वह एक डॉक्टर है ना, राजू बीमार है ना, वह आज ट्यूशन नहीं आएगा ना, तो हमेशा लास्ट में देखिएगा ना आता, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो इसमें सवाल कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। जैसे कि राम एक किसान है ना, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस लगा राम इज ए फार्मर इजेंट ही हो जाए, क्योंकि राम एक लड़का है। वहीं पर अगर लड़की होती तो जैसे सीता एक नर्स है ना, सीता इज ए नर्स इजेंट सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में क्वेश्चन टैग को ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। और क्वेश्चन अगर पूछना होगा आप क्वेश्चन टैग में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके पास कार है ना, यू हैव अ कार डोंट यू, वह बीमार है ना, ही इज सिक इजेंट ही, उसके पास एक लैपटॉप है ना, He has a laptop, doesn't he? तो इसको बनाने का रूल क्या है देख लीजिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में ऑलरेडी अगर प्रोनाउन आएगा तो उसको या यू हो गया, दे हो गया, वी होगा, तो इस तरीके से अगर आएगा तो उसका सेम लगेगा। बट अगर लड़का या लड़की आएगा या कोई भी चीज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग, किसान है तो राम इज ए फार्मर इजेंट ही, गोपाल एक डॉक्टर है ना, गोपाल इज ए डॉक्टर इजेंट ही। उसी तरह अगर मान लीजिए वह एक डॉक्टर है ना, ही इज ए डॉक्टर इजेंट ही, ये हो गया पॉजिटिव टैग। अगर हम लोग नेगेटिव टैग बोलेंगे तो जैसे उसके पास कलम नहीं है ना, तो ही डजेंट हैव अ पेन डज ही, उसके पास एक कार नहीं है ना, ही डजेंट हैव अ कार डज ही। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग को भी अपनी डेली लाइफ में लाइए और इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका इंग्लिश जो है परफेक्ट नहीं होगा और फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे और उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश स्पीकिंग इज रियली वेरी वेरी इजी, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश इन दिस यूनिवर्स, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।